इमाम साहब आप जानते हैं ना कि जब मैंने कसम खाई थी मैं किन हालात में था और मैंने अपने रब से क्या वादा किया था और किसके लिए किया था, आप जानते हैं ना। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। मैंने कहा ना कि वो जो हम सब का रब है वो हमारी सोचों और अंदाजों से ज्यादा गफूर रहीम है। इम्तिहान में डालता है तो इनाम भी देता है, आजमाइश देता है तो ख्वाहिशों से बढ़ के सिला देता है। उसे किसी की जान लेना मकसूद नहीं है बेटा, उसे तो बस इतना मकसूद है कि कौन उसकी खातिर गले पे छुरी रख सकता है, कौन उसकी खातिर जलती आग में कूद सकता है। बस मेरे बच्चे, नेक नियति का इम्तिहान है और कुछ नहीं है। इंसान कसम उठाता है, वादा करता है और जब अपने वादे की तकमील के बाद वो रहीम और करीम उसे नवाजता है। हर तरह का कफारा है और तुमने तो इतने कफारे अदा किए कि दुआ बेटी का साथ रब का अनमोल तोहफा बन के खुद चल के तुम्हारे पास आ गया। ये तुम्हारे रब का अनमोल तोहफा है बेटा, जो तुम्हारी सोचों से कहीं ज्यादा है। तुमने नहीं पुकारा दुआ को, दुआ ने तुम्हें पुकारा है। तुमने ख्वाहिश नहीं की दुआ की, दुआ ने तुम्हारी ख्वाहिश की है। तुम उसके रास्ते में नहीं आए, उसने बढ़कर तुम्हारा दामन थामा है। अब तुमने क्या करना है, आगे बढ़ के दुआ का हाथ थाम के हम सब की ख्वाहिशों की तकमील करनी। रब्बुल इज्जत की इनायतों से मुंह नहीं फेरते बेटा, कुफराने नेमत होता है। चलो उठो जाओ और दुआ का हाथ पकड़ के नई जिंदगी की शुरुआत करो और अपने रब की नेमत का शुक्र अदा करो। जाओ जाओ उठो।